हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ये देख रहे हो आप मेरी दादी, यानी कि मेरी दादी सास। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग गांव से आए यहाँ पे पुणे में। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं हस्बैंड के साथ रहती हूँ, जैसे मैं पुणे में आई तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि मेरे ब्लॉग देखते रहे होंगे तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा, यार तुम्हारी दादी सास इतनी स्ट्रांग कैसे, इतनी ओल्डीज है, इतनी बूढ़ी हैं, फिर वो इतना चलते फिरते कैसे, हम लोगों की तो इतनी कम एज में अभी से कभी घुटने में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी कमर दर्द, कभी कुछ होता है, तो तुम्हारी दादी इतनी स्ट्रांग कैसे है? तो यार, तुम दादी के लिए क्या क्या करती रहती हो? दादी के लिए होम रेमेडीज, कभी तेल बनाती हो, कभी मसाज ऑयल, कभी कुछ इस टाइप का बनाती रहती हो, तो हमें भी शेयर करो यार कि कैसे वो करती हो। तो क्यों ना, मैंने कुछ यादें संभाल के रखी हुई है, तो क्यों ना मैंने कहा इसके थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि दादी के लिए मैं क्या क्या होम रेमेडीज, मसाज ऑयल बना के आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं आप लोगों को घरेलू नुस्खे। यहाँ पर लिया मैंने अजवाइन, लौंग, मेथी और कुछ कलियां लहसुन की और कुछ करी पत्ता। तो गाइज, ये एकदम पेन कर का काम करता है। हम लोग हजारों पैसे खर्च कर लेते हैं अपने लिए दवाई लाने में, लेकिन पेन कलर फिर भी हमारा ख़त्म नहीं होता, कभी कमर दर्द, घुटने में दर्द। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ ये होम रेमेडीज शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ले लिया कढ़ाई में। यहाँ पे सरसों के तेल को अच्छे से पहले गर्म होने देंगे, इससे थोड़ा धुआं निकल जाएगा तो ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये जो अजवाइन, लौंग, करी पत्ता, लहसुन है, उसके बाद उसको बहुत सिंपल तरीका है गाइस, देखो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसको बहुत अच्छे से जलाना है कुछ इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप ज़रूर ट्राई करें। मैं तो हमेशा से दादी के लिए ही करती हूँ, जब जब मैं घर पर जाती हूँ, लगभग 4-5 या 6 महीने में तो हम लोग घर जाते हैं, तो दादी के लिए मैं बना के रखती हूँ और दादी एक शीशी में बोतल में भर के रखती है। और उसके बाद जब जब दादी को रात को दादी मालिश करती है, घर पे मैं थी तो मैं करती थी दादी के पैरों में मालिश, उसके बाद दादी इसको ऐसी स्टोर करके रखती है और दादी कहती कि मुझे इससे ना इतना रिलीफ मिलता है। तो मुझे लगा यार क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इसको बनाना बहुत आसान है और सारी चीज़ें, ऐसा भी नहीं है कि हमें मार्केट से लानी पड़ेगी, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल रहती है। तो आप इस तरीके का अपने लिए घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं और ये अच्छे से जला देना है। उसके बाद देखना तेल का भी कलर एकदम चेंज हो जाएगा और उसके बाद एक कटोरी में आप इसको छान के निकाल सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये ख़राब होगा या कुछ भी, आप इसको महीनों तक यूज़ कर सकते हैं, सालों तक चला सकते हैं। उसके बाद बाउल में निकालने के बाद, ठंडा होने के बाद आप इसको एक बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं। गाइस, ट्रस्ट में ये इतना ज़्यादा पेन किलर का काम करता है, आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।